कुछ ना सूखल रोटी वो दो चार दिन सूखल रोटी नूनो रोटी ना मिलत रहल नून रोटी भी ना मिलत ना बेटा रहुआ भूखे सोला महला से रुपया 10-10 रुपया जोड़ करके 100 रुपया इकट्ठा कइनी ओकर बाद फोफिया के रुपया दुकान खोल ली फोफिया छान के आ घुमा घुमा बेची आ बेच के से ना होके त का करी जे खैले बिनु माने सुत जई स माई ना खैले सुत जई लोग दू दिन चार दिन रह जाई स तब का कइनी चार दिन पर माने घर में एक बार खाना बने एथी त 100 रुपया के फोफिया इतना बार लिए ले लइका छोटी छुके बार रहल 100 रुपया टोला महला से 10-10 रुपया मांग के से जा रहे थे तब तक हमको 55 साल की चाची दिखाई दी जो कि रास्ते पर जा करके घूम घूम करके बेचती हैं। देखिए दुख दर्द पीड़ा इतनी होती है किसी किसी के अंदर कि जिसको देखने के बाद रूह कांप जाता है, कलेजा निकल जाता है दिल। और इस महिला के दुख दर्द को देखे जब हम तो काफी बुरा भी लगा कि एक महिला को इतनी ज्यादा उम्र में जो काम मर्द करते हैं इस तरह से लेके फेरी लगाकर बेचती हैं, और इनका हम मदद भी करेंगे और इनसे सामान भी खरीदेंगे और इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि जिस उम्र में घर में बैठना चाहिए, घर में रह करके अच्छा से रहना चाहिए, उस उम्र में इनको बेचना पड़ रहा है। इनसे जानेंगे क्या नाम है चाची आपका। स्नेहा देवी। उम्र और कितना बा? 50 साल उम्र है। अच्छा जो बिजनेस करता नहीं ये काहे करता नहीं इतना ज्यादा उम्र में? घर में कोई नहीं खेगा? केहू नहीं खे, घर में कोई नहीं खे रहा। हम अकेला बानी, मालिक हमार गुजर गईनी तो हमारा केहू टोला महला कुछ देव ना। बड़ी दिक्कत हो? बहुत दिक्कत हो खूब। तब बले जिला गईनी, बले जिला से कमा कमाईनी तो ये जी करे लगनी। बलिया जाए पड़े बिहार से? यूपी में। यूपी में कमाई चना काटे, गेहूँ काटे, चना गेहूँ ये सब काटत रह लेके दवा के लेके आईनी आके तो दुख देखल लो तो हमारे गांव के चमार लो बीन लो ले गए लो बुला के ओ जी सैनी तो ये जी करे लगनी कैला के बाद तब ओ से ना होके तो का करी जे खैले बिनु माने सुत जाई स माई खैले सुत जाई लोग दू दिन चार दिन रह जाई स तब का कहनी चार दिन पर माने घर में एक बार खाना बने तब का लोग कहल जे अथी कर तनी फोफियो बेच दू चार गो फोफियो बेच जे अथी ओ तो 100 रुपया के फोफिया इतना बार लिए ले लइका छोटी छुके बार रहल 100 रुपया के देला? 100 रुपया टोला महला से 10-10 रुपया मांग के टोला महला से रुपया 10-10 रुपया जोड़ करके 100 रुपया इकट्ठा कइनी ओकर बाद फोफिया के रुपया दुकान खोल ली फोफिया छान के आ घुमा घुमा बेची आ बेच के ओमे से 10-10 रुपया बिटोड़ के आ 500 रुपया पूजा के आई जब है कोरोना आयल हो पहले साल वो कोरोना में 2000 मोदी के रुपया मिलल लिखावल लोटोला में कहता 2000 मिला के आई 525 के हम है सामान उठाने साला क्या बोले मतलब समझ में ही नहीं आता कि शब्द ही खत्म हो जाते हैं हमारे। ऐसे ऐसे जगहों पे जब जाते हैं तो शरीर का जितना भी शरीर है शब्दकोश का जितना शब्द है सारा खत्म हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या बोले ऐसे लोगों के लिए। यार सोचिए कि 10-10 रुपया गांव के लोगों से इकट्ठा की इस महिला ने तब जाके फुफिया का बिजनेस इन्होंने खोला। 10-20 रुपया फ़ायदा होता था तब तक कोरोना आ गया। कोरोना में सरकार ने 2000 रुपया दिया, 500 रुपया इधर उधर से करके बचाई थी जो 2500 रुपया करके इन्होंने रोजगार चालू किया। देखिए एक महिला को 50 साल की उम्र में इस तरह से बेचना सही तो नहीं लगता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। मेरी हैसियत उतनी नहीं है कि उतनी मदद, लेकिन मदद करेंगे इनकी जितनी मेरी हैसियत है, भला कि कैमरे पे करे तो या कैमरे के बंद करके करे तो। बाकी उसके बाद क्या होगा? तब वो बेचे लगनी लेके थोड़े सा 2500 है तब आई लो जीव का तरफ से सर लो दीदी लो तीन दीदी आई लो वो लो लिखल लो तब सर लो के भेजल लो तो सर आनी लो सुनील सर हई दनियालेपुर के तो आनी तो लिखनी आ लिख के आ लिख के आ ले गईनी लो तो माने सब भल तो एक ट्रेनिंग भैया के बाद तो एक खाली 10,000 रुपया मिलल दिन भर में चाची कौ रुपया कमा लेवे अब तो 500-400-200-500 मन बेचा जाए तो अब जीवन मिला जुला ठीक चलता अब ठीक चलता अब खुशबानी हाँ अब खुशबानी अब खाऊ मैं 2 पैसा 8 दिन पर 10 दिन पर मीट मछरी माने हम किन लेला हाँ दूध दही तन खा लेला मतलब पहले ये सब ना मिलत रहे नसीब से कुछ ना सूखल रोटी वो दो चार दिन सूखल रोटी नूनो रोटी ना मिलत रहल नून रोटी भी ना मिलत ना तब बेटा रहुआ भूखे सुत जाता हाँ जननी इतना दुख कटले बने तो अब माने अब कमाए लगनी करे लगनी तब हमार
मने चला था, कपड़ो सही चलता, सब कुछ मिल जाता। हाँ मिला था। हाँ तीरा रुक नहीं खे ना, मालिक नहीं खे ना। कैसे हुआ के देहान थो? जैसे ये थी मने मिस्त्री रहनी, घर बनावत नहीं तो भार पर से गिर गई नहीं तो भारत से गिर गई नहीं तो ये थी हो गई गिर गई दुख ओकरा बाद तो बहुत जीवन लागल तो कनी है ना जे केहू ना दे गांव जवार केहू मदद ना नहीं करता था इनका, कोई मदद नहीं करता था। एक एक रुपया एक एक दाने को मुहताज, कहीं जाती थी तो लोग दरवाजा बंद कर बंद कर दे देवलो ना देवलो जे फिर ले जाई खाती आइल बड़ी ले जाई तो फिर कहां से दी हन हनु कहां से देमा रोज रोज चलाव तरी मांगे खाती मांगे चलम मांग के खाना पड़ता था। खाता होता बैंक के अकाउंट नंबर बारह देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मदद करें भगवान, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भगवान पता है किसको बोल रहे हैं, आप सभी को जो लोग देख रहे हैं, आप लोग भगवान के तौर पे हैं। जो भी लोगों की क्षमता है ना, जितनी, मैं नहीं कहूँगा कितना आपकी क्षमता, जितना क्षमता हो ऐसे लोगों की प्लीज मदद करें मेरे माध्यम से ना, तो कभी ऐसे लोग दिखे तो मदद करिए। हम भी मदद करेंगे लेकिन दिखा के नहीं, अगर दिखा के कर दिए तो शायद मुझे लगता है कि मदद का कोई काम नहीं होगा। मदद करेंगे, आप सब भी ऐसे लोग दिखे तो मदद करें। बाकी इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस महिला के हिम्मत हौसले को सलाम करते हैं, जज्बे को सलाम करते हैं, जो 10-10 रुपया जमा करके अपने बिजनेस को चालू करती है और आज अपने दम पे खड़ी है और 50 साल की उम्र में भीख नहीं मांग रही है, अपने बिजनेस को करके इज्जत से खा रही है। एक समय ऐसा था तब 10 रुपये नहीं थे, 4000 दिन पे खाना बनता था घर में, तब यही और इनके 6-7 साल का एक बेटा है खाते थे लोग। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बात को तो लिखिएगा, दुख बहुत हुआ होगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट है आप सबसे ताकि मोटिवेशन ऐसी ऐसी महिलाएं देश की बाकी महिलाओं के लिए बने। बाकी बहुत बहुत आभार।